हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय नर्चर मैं हूं कृष्णा कैसे हैं सब लोग मस्त बढ़िया चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग मेटाबॉलिज्म जो हम लोग अपना चैप्टर नंबर एट पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री में उसका नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर फोर जहां हम लोग पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स ठीक है तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसको लिपिड्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ ब्रीफ करूंगा क्योंकि इसके अंदर लाइपोलिसिस बीटा ऑक्सीडेशन कीटोजेनेसिस कीटोलाइसिस बच्चा कंफ्यूज है कि क्या है ये प्रोसेस क्यों पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं वगैरह 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 काफी सारे बच्चों को क्लियर हो गया है तो छोटी सी मैं आपको एक समरी देता हूं मैं ध्यान से देखिएगा ठीक है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से जिन बच्चों को कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगी हम पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिज्म ठीक है ना मेटाबॉलिज्म उम्मीद है डेफिनेशन आप लोग क्लियर होगी जो हमारी बॉडी में ओवरऑल रिएक्शंस होती हैं मेटाबॉलिज्म दो टाइप की होती है एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज़, ठीक है जब हम लोग कोई खाना खाते हैं और हमको उसको एनर्जी के तौर पे चीजों को स्टोर करना होता है ठीक है अमीनो एसिड्स हैं, फैट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो वो हमारी बॉडी में एनाबॉलिज्म के माध्यम से क्या होते हैं स्टोर हो जाते हैं क्या हो जाते हैं स्टोर हो जाते हैं लेकिन जब जब हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है जैसे मैं बोल रहा हूं या हम भाग रहे हैं कुछ भी है हमें जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो क्या प्रोसेस होती है कैटाबॉलिज्म ठीक है ना कैटाबॉलिज्म होती है और कैटाबॉलिज्म में क्या होती है जो हमारे एनर्जी के स्टोर थे वो टूटते हैं ठीक है तो कैटाबॉलिज्म जब कब होती है व्हेन बॉडी नीड एनर्जी ठीक है कैटाबॉलिज्म तब होती है जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है और कैटाबॉलिज्म हमारे पास तीन बड़े सोर्स हैं जिनके ऊपर कैटाबॉलिज्म होता है और एनर्जी मिलती है जब भी एनर्जी की जरूरत होती है सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या चीज टूटती है कार्बोहाइड्रेट क्या टूटता है कार्बोहाइड्रेट टूटेगा और अल्टीमेटली अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा यानी कि कोई भी चीज टूटेगी कोई भी चीज कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन हो रही है ठीक है मेटाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी के लिए तो अल्टीमेटली वो एनर्जी के रूप में हमको क्या देती है एटीपी देती है क्या देती है एटीपी देती है ओके कार्बोहाइड्रेट अगर हमारी बॉडी में कम पड़ गया है तो ठीक है कार्बोहाइड्रेट कौन सा रूप होता है ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट कौन सा रूप ग्लूकोज अगर ये कम पड़ गया है तो उसके बाद हमारी बॉडी में क्या टूटना स्टार्ट होता है फैट क्या टूटते हैं फैट्स तो इस फैट्स को हम लोग किसके नाम से जानते हैं फैटी एसिड्स के नाम से जान रहे हैं कि फैटी एसिड्स के नाम से पढ़ेंगे इस चैप्टर में ठीक है, है, है? है और अगर लास्ट में अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म है फैट्स खत्म है फिर अल्टीमेटली क्या टूटते हैं प्रोटीन्स टूटते हैं और जब प्रोटीन टूटने की नौबत आती है तो समझो फिर आदमी की डेथ होने की संभावना होती है समझ में आ रही है ये इसी सिक्रम में टूटेंगे ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू का बताओ जब मेटाबॉलिज्म होती है जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले कौन सी चीज ब्रेकडाउन होती है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटेगा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कम पड़ गया खाना नहीं मिल रहा किसी वजह से या हम लोग व्रत रखे हुए हैं लंबे समय से तो हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर है वो टूटना स्टार्ट करेगा फैट भी अगर बॉडी में खत्म हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या टूटता है प्रोटीन टूटना स्टार्ट होता है और प्रोटीन अगर खत्म हुआ फिर डेथ हो जाती है ठीक अब ध्यान से जो मैं समझाने जा रहा हूं कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का तो बहुत ध्यान से बेटा समझना इसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो दिमाग में आपके एक पिक्चर सेट हो जाएगी हम लोग ये मेटाबॉलिज्म में कर क्या रहे हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म में एटीपी निकाल रहे हैं ठीक है आओ देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट था ठीक है ना वो टूटता है और क्या बनाता है ग्लूकोज बनाता है क्या बनाता है ग्लूकोज बनाता है ग्लूकोज के साथ क्या होती है ग्लूकोज के साथ क्या होती है ग्लाइकोलिसिस होती है एक और कलर ले लेते हैं ओके ग्लूकोज के साथ क्या हो रही है ग्लाइकोलिसिस हो रही है और ग्लाइकोलिसिस होके ये किसमें टूट जाता है पायरुवेट में टूट जाता है याद आ रही प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस हम लोगों ने पढ़ी थी ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में ठीक है एसिटाइल कोएंजाइम ए में ठीक है कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में और यह एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है कहां ट्राई एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल जो भी हम बोल लें एंटर okay. मैं क्रैप साइकिल लिख देता हूं क्रैप साइकिल और क्रैप साइकिल से हमको क्या मिलते हैं एनएडीपीएच एच की फॉर्म में कन्वर्ट होता है किसकी फॉर्म में एन ए डी पी एच और साथ साथ में कुछ एटीपी भी मिल जाते हैं तो फिलहाल एटीपी को हम अभी यहां से रहने देते हैं क्रैप साइकिल से हमें क्या मिल जाता है कुछ एटीपी भी मिल जाते हैं और कुछ एनएडीपी एच मिलते हैं ठीक है ए तो टीपी को ना यहाँ पे रखते हुए हम किसका बात करेंगे एनएडीपी की बात करेंगे और जो एनएडीपी है वो एंटर करता है कहां पर कहाँ पर एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर याद आ रहा है हम बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा था हम लोगों ने क्या पढ़ी थी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दिख रहा है ये हम लोगों ने पढ़ा था बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ये बेटा क्यों पढ़ा रहा हूं मैं ध्यान से अभी आप जब फैट का बताऊंगा तो एकदम खटाक से क्लियर हो सारी चीजें और अल्टीमेटली हमको क्या मिल जाता है ए मिल जाती है तो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट का जो था मतलब जो मेटाबॉलिज्म था वो यहां पर खत्म हो गया था क्या कहते हैं

लिपिड मेटाबॉलिज्म ठीक है अब लिपिड मेटाबॉलिज्म के तहत सबसे पहले लिपिड्स जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है ठीक है उनके साथ क्या होती है लाइपोलिसिस होती है लाइपोलिसिस जो कि हमारे सिलेबस में देखो डिटेलिंग जो यहां पे जो पॉइंट दे दिया ऊपर वाला हम पूरा पढ़ चुके हैं जो यहाँ पे पॉइंट देने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझना इसका डिटेलिंग हम हाँ अभी अभी करेंगे इसी इसी लेक्चर में करेंगे ठीक है ना इसकी डिटेलिंग हम लोग इसी लेक्चर में करेंगे तो जो लाइपोलिसिस हो रही है लाइपोलिसिस होने की वजह से जो मेरे पास मेरा लिपिड है ये दो चीजों में ब्रेक कर जाता है एक होता है मेरे पास ग्लिसरॉल में टूट जाता है और साथ साथ में फैटी एसिड्स में टूट जाता है बात समझ में आई ठीक है अब ग्लिसरॉल के साथ कुछ घटनाएं घटती हैं, जो मेरे पास अच्छा दोनों की अपनी अपनी कहानी है दोनों को हम डिटेल में देखेंगे जो ग्लिसरॉल है और जो मेरे पास फैटी एसिड है यहां तक बात समझ में आ रही है ठीक है ना अब यह चीज आपको यहां पर समझनी है कि ये किस तरीके से हुआ और इसके आगे एस्टाइल को आगे के स्टेप आपके यहां लिपिड के मेटाबॉलिज्म में भी काम आएंगे अब जब अगर आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी होगी तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट ठीक है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन आ रहा है आपने जब भी ग्लूकोस ग्लाइकोलिस पढ़ी होगी तो ये देखो डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट ये दिख रहा है ये आपने पढ़ा होगा ठीक है जिसे हम मैंने बताया था धप धप्पा धप करके ठीक है याद करने के लिए ठीक है तो ये ग्लिसरॉल जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है डी एच ए पी में

क्लियर है यहां तक डीएचएपी की कहानी क्लियर है ठीक है मतलब यहां तक की कहानी क्लियर हो गई है तो यहां पे अगर हम बात करें डीएचएपी का तो ये एंटर करता है कहा दिस एंटर्स इनटू टू ग्लाइकोलिस एंटर ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर जाएगा ठीक है ना और क्या दे देगा मेरे को पायरूवेट और पैरिवेट क्या आएगी कहानी ये पूरी आगे सेम आएगी ठीक है ना पायरिवेट आगे जा करके टूट करके मेरे को क्या दे देगा ए दे देगा तो एक कहानी तो ये होगी पैरिवेट से कहानी मेरी आगे ही, सेम हो जाएगी बात समझ में आई ग्लिसरॉल के साथ एक चीज या एक संभावना और है ग्लिसरॉल या तो इसमें भी जा सकता है या ग्लिसरॉल वापस से ग्लूकोज भी बना सकता है ठीक है ग्लिसरॉल के साथ एक घटना और घट सकती है कि ग्लिसरॉल जो है वो क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस ठीक है इसके माध्यम से प्रोसेस देखेंगे क्या होती है ये वापस से क्या बना सकता है ग्लूकोस ही बना सकता है और फिर ये आगे एंटर कर जाएगा और पूरी कहानी फिर से यही रिपीट हो जाएगी हमें को ए मिल जाएगा कहानी समझ में आ रही है जो चीजें इसमें अलग अलग हैं वो हम समझेंगे बाद में ठीक है तो कि कैसे ये प्रोसेस हो रही है इसकी डिटेलिंग जाएंगे तो बाप को बात समझ में आनी चाहिए कि अल्टीमेटली यहां पर इस चैप्टर में हम लोग एटीपी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में एटीपी कैसे कैसे बन रही है फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड के भी दो स्टेप्स हैं फैटी एसिड डायरेक्ट ब्रेक कर जाएगा किसमेंसीटाइल को और यह होता है बीटा ऑक्सीडेशन के माध्यम से किसके माध्यम से होता है बीटा ऑक्सीडेशन के माध्यम से हो रहा है अब जो एसिटाइल को इंजाइम ए है ठीक है यहां से दो स्टेप है हमारे पास अब एस्टाइल को याली की कहानी तो पता ही है ठीक एस है एस्टाइल को आगे कहानी तो हमको पता ही है कि क्या होगा उसके साथ साइकिल में एंटर करेगा वो हमको एनर्जी देगा वगैरह 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 ठीक है ना तो ये कहानी इसलिए आपको आप समझ में आने लगी होगी ये एंटर करेगा क्रैब साइकिल में और हमको क्या दे देगा एन ए डी पी एच और ये एंटर कर जाएगा और ये क्या दे देगा ए ट, प, ये किसमें एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्लियर है कहानी लेकिन देखो ये नॉर्मल प्रोसेस है कई बार जब एनर्जी मतलब हम नॉर्मल खा भी रहे हैं और कई बार एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ जाती है तो फैटी एसिड ब्रेक करता है और हमको ए देता है इस तरीके से लेकिन जब हम लोग भूख हड़ताल पर होते हैं या कई दिनों तक तो खाना नहीं खाते हैं या किसी वजह से गरीब लोग हैं तो खाना नहीं मिल रहा है तो होता क्या है यही जो एसिटाइल को इंजाइम ए है ये अपना रास्ता बदल लेता है थोड़ा सा क्या बदलेगा रास्ता बदलेगा और क्या बनाएगा कीटोन बॉडीज फॉर्म करेगा कीटोन बॉडीज एक्चुअली होता क्या है कीटोन बॉडी से जो कन्वर्ट होकर के जो एनर्जी मिलती है वो इससे डायरेक्ट एनर्जी मिलने की अपेक्षा में ज्यादा एनर्जी होती है मतलब ये डायरेक्ट ऐसे एनर्जी दे रहा है और फिर कीटोन बॉडी बन के एनर्जी दे रहा है तो वो ज्यादा अच्छी रहती है हमारे लिए तो कीटोन बॉडी बनी तो इसी को प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं कीटो जेनेसिस ये बेटा जो साइकिल का चक्र है यहां बच्चा बड़ा घूमता है भटक जाता है उसी चक्र को क्लियर करने के लिए मैं आपको पहले ये सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे सीधे सीधे टॉपिक पढ़ेंगे ठीक है और इसका आप लोग एक स्क्रीन शॉट लेकर के या इसके बाद तुरंत वीडियो को पॉज करके इसको लिख करके आगे का लेक्चर जब देखें तो इसको सामने रखिएगा एकदम क्लियर हो जाएगा लेक्चर ठीक है अब कीटोन बॉडीज अब अल्टीमेटली क्या होता है जो कीटोन बॉडीज की क्या होती है कीटो ये कीटोन बॉडीज होती है अल्टीमेटली डाउन हो? होंगी और हमको एनर्जी देंगी ठीक है ना तो क्या हो रहा है ब्रेक डाउन ऑफ कीटोन बॉडीज ठीक है Give energy बहुत आराम से बता रहा हूं बेटा ये चैप्टर टॉपिक में या बच्चों को बंपर इशू है तो ये हो गया मेरे पास ये प्रोसेस क्या कहलाई की टू लाइसिस ठीक है क्लियर हो गया अब यहां पे थोड़ा सा मैं खिचड़ी बनाने जा रहा हूं ठीक है बढ़िया से खाएंगे तो बहुत मजा आएगा और जल्दी जल्दी मत खाइएगा ठीक है मैं भी आराम से खिलाऊंगा आप लोगों को अब खिचड़ी क्या होने जा रही है बहुत ध्यान से समझेंगे जो मैं खिचड़ी करने जा रहा था एक्चुअली कलर कौन सा लें कलर कौन सा लें ले? खिचड़ी करने के लिए चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं तो खिचड़ी क्या करने जा रहा हूँ बात को समझना हमारे सिलेबस में लिपिड मेटाबॉलिज्म में सबसे पहला टॉपिक क्या है लाइपोलिसिस तो वो जो लाइपोलिसिस है वो आप लोगों को ये रहा अरे कलर चेंज नहीं हुआ हम्म hmm, क्या बात कलर चेंज हो जा भाई हम्म hmm, अब हो गया ओके okay, तो थोड़ा सा यहां से लेके ये ये ठीक है फिर से मैं इसको हटा देता हूं और आप लोगों को एक मौका देता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है ना स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ इसको नोट करना तो नोट कर लो क्योंकि जब खिचड़ी हो जाएगी फिर थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत आ सकती है ले लिया स्क्रीन चलो तो यहां से लेके यहां तक समझेंगे बात को लाइपोलिस क्लियर हो गया अच्छा ग्लिसरॉल को लेकर के सिलेबस में डायरेक्ट कुछ दिया नहीं हुआ है तो उसको हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं को लेकर भी कोई बात मेंशन नहीं की गई है तो हम इसको भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं फिर ध्यान रखेंगे आप लोग जब फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन की बात आएगी तो मेरे पास कलर चेंज करें क्या पतला कर लेते हैं मोटा ज्यादा हो गया यहां से लेकर के तो यहां पर हम थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहेंगे जिससे कि क्लैरिटी बनी रहे कोई कलर है ही नहीं सही सलामत चलिए येलो ही ले लें नहीं येलो येलो न डर्टी नो हो जाएगा चलिए नहीं यारो लेते हैं ज्यादा बेटर है तो यहां से लेकर के यहाँ तक दिस इज योर बीटा ऑक्सीडेशन अंदर के स्टेप होंगे साइकिल वाले जो अंदर मिलेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा लेकिन आपको बेसिक समझा रहा हूं मैं कि इस तरह से कहानी क्या चल रही है ठीक है और यहां से लेकर यहां तक कीटोजेनेसिस कीटोजेनाइसिस मेंशन कर रखा है मैंने ठीक है एक और कलर चेंज कर लेते हैं यहां से लेकर के दिस इज योर कीटो जेनेसिस एंड अल्टीमेटली दिस इज योर कीटोलाइसिस हम्म ये ये गई खिचड़ी बहुत कायदे से खाना इसको ठीक है तो लाइपोलिसिस बीटा कीटोजेनेसिस और कीटोलाइसिस तो अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि कीटोजेनेसिस बच्चा कह रहा है कीटोन कहां से आ गया लिपिड के अंदर जब बच्चा सही से नहीं पढ़ता है तो ये दिक्कत आती है अब ये सारे इसीलिए सब लिंकअप हैं इसीलिए चारों हम इसी में कवर करेंगे थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा ठीक है पानी की बोतल लेके बैठे ठीक है यहां तक बातें क्लियर हो गई है वीडियो को पॉज कर लें मुंह धुल लें अच्छे से अब भूख लगी तो हल्का कुछ खा लें और फिर अब स्टार्ट करेंगे फिर लगातार चलते रहेंगे ठीक है उम्मीद है यहां तक बातें क्लियर होगी और ये अल्टीमेटली कहानी समझ में आगे ना इसका जब एनर्जी का ब्रेकडाउन होगा तो हमको क्या मिलेगी एनर्जी मिलेगी अब ये कैसे मिलेगी अल्टीमेटली हमको घूम फिर के यहीं पे घुस जाना है क्रैप साइकिल में और बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन टॉक लास्ट में जो एनर्जी का प्रोसेस रहेगा ये कॉमन रहता है क्रैप साइकिल वाला और ये वाला बात समझ में आ गई वो मैं आगे आप लोगों को मैंशन करता रहूंगा क्लियर है बातें जब भी लास्ट में एनर्जी की बातें आएगी तो देखो जब भी एंटर क्रैप साइकिल तो आगे कहानी सेम सेम एस्टाइल को में आगे घुस गया ठीक है ना और इसी तरीके से जब मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताऊंगा तो उसकी भी कहानी मेंशन करूंगा ठीक है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को कंपेयर करवा दिया यह चीज आपको ध्यान रखने कॉमन चीज है ओके स्टार्ट करें चलिए तो स्टार्टिंग में यह टेबल ग्लाइकोलिसिस वाली मैं इसलिए लेके आया था जिससे कि आप लोगों को मैं एक चीज दिखा सकूं वो चीज क्या है कि ग्लूकोज आपको याद होना चाहिए ठीक है जब आपको ग्लूकोज याद होगा तो उसका फायदा क्या होगा यहां से आपको ये समझ में आएगा कि डाई हाइड्रोक्सो तो असिटोन फॉस्फेट या ठीक है ना कहा से आया ये ग्लिसरॉल से आया ठीक है कहां से आया ग्लिसरॉल से आया फिर ये अंदर एंटर कर देगा फिर अल्टीमेटली हमको क्या मिलता है पायरवेट मिलता है पायरवेट ब्रेक करके क्या बनाता है एसटाइल ए बना लेता है पायरवेट आगे जाके क्या बना लेता है एसिटाइल ए और ये एंटर कर जाता है हमारा क्रैब साइकिल में यह किसमें एंटर कर जाता है क्रैब साइकिल में तो ये कहानी आपको याद होनी चाहिए अब एक चार्ट आप लोगों ने होपफुली इंटर में शायद इसको देखा होगा कहां देखा होगा इंटर में सॉरी इलेवंथ के उसमें है चैप्टर में क्या दिखा रहा है देखो अल्टीमेटली चाहे फैट हो यही चीज मैं आपको दर्शाना चाहता चाहे फैट हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो चाहे प्रोटीन हो, हो किसी ना किसी तरीके से ये या तो इसमें एंटर मारेंगे ग्लाइकोलिस की प्रोसेस के अंदर और अल्टीमेटली क्रैप साइकिल में एंटर मार देंगे और क्रैप साइकिल के बाद अल्टीमेटली एंट्री कहां लगती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और यही वजह है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को टॉपिक चारों टॉपिक कवर करने के बाद सब, आ, सबसे आखिरी में दिया हुआ है बट उसको स्टार्टिंग इस में करवाना था ताकि चीजें समझ में आ सके ठीक है तो अभी हम फैट पढ़ने जा रहे हैं तो फैट का आपने क्या देखा था फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ठीक है ये जस्ट समझने के लिए है आपको ये आंसर में नहीं लिखना है आंसर जो मैं बताऊंगा अभी वो लिखना है फिर इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं जो

कार्बोहाइड्रेट हमारा क्लियर हो रहा है पर तो पिक्चर बन गई सेट हमको क्या चाहिए एटीपी चाहिए अब एटीपी कहां से मिलेगी कार्बोहाइड्रेट देगा कि फैट देगा कि प्रोटीन देगा ये सारी बातें मैं बता चुका हूं मैं चलिए अब हम लोग अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे आते हैं तो लाइपोलिसिस से स्टार्ट करते हैं हम लोग तो लाइपोलिसिस क्या है लाइपोलिसिस इज़ द मेटाबॉलिक प्रोसेस थ्रू विच ट्राई एसाइल ग्लिस्ट्रॉल जिसे हम टैग कहते हैं क्या कहते हैं जिसे हम टैग कहते हैं

फोर जो हमारा लिपिड था वहां पे हम लोगों ने काफी अच्छे से इसे कवर किया हुआ है कि क्या होते हैं ट्राइस ग्लिस्ट्रॉल्स बात समझ में आ रही है तो इसे हम ट्राइस या इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं ट्राइग्ड कहते हैं क्या कहते, है? कहते हैं ट्राइग्लिस्टराइड्स कहते हैं ट्राई एसाइल ग्लिस्टरॉल और ट्राई ग्लिस्टराइड्स आर सेम थिंग इसका ही टूटना और इनके टूटने से जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ठीक है ना जब एक ट्राई एसल ग्लिस्ट्रॉल टूटता है तो हमको एक क्या मिलेगा ग्लिसरॉल मिलेगा और एक दो और तीन फ्री फैटी एसिड मिलते हैं ठीक है इन्हीं को आगे हम देखेंगे क्या हो रहा है करके तो लाइपोलिसिस का मतलब क्लियर हो गया ट्राइस ग्लिसरॉल का हाइड्रोलिसिस होकर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटना दिस इज योर डेफिनेशन अब कहानी वही आएगी कि लाइपोलिसिस क्यों क्यों हो रही है हमारी बॉडी में लाइपोलिसिस तो मैं बता चुका हूं कि जब हमको एनर्जी चाहिए होती है और कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एमसीक्यू वगैरह या दूसरी चीजों में पूछी जा सकती है। आओ हैं आओ देखते हैं एडिपोज सेल्स उम्मीद है एडिपोज होंगे जहां पर हमारा फैट स्टोर होता है ठीक है एडिपोज सेल्स आर स्पेशाइज फॉर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ आपका क्या आ जाएगा एमसीक्यू कहां पर स्टोर होते हैं ये एडिपोज सेल में स्टोर होते हैं ठीक है ये, ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने एच में ही पढ़ रखा है जब टिश्यूज के बारे में पढ़ा था ठीक है द बॉडी यूजेस फैट स्टोर एज इट्स अब देखो जो होते ना बातें कुछ बच्चे कहते हैं सर एच ए पी से एमसी की तो आते नहीं है या एच ए पी हमारे एग्जिट एग्जाम में नहीं है एडिपोज से एच एपी का है ठीक है ना यही वजह है कि एच ए पी को भी अच्छे से कवर करना जरूरी है वो कहीं ना कहीं लिंकअप रहेगी द बॉडी यूजेज फैट स्टोर हमारी बॉडी जो फैट स्टोर है सारी कहानी बता चुका हूं बस क्या लिखा हुआ उसे समझा रहा हूं मैं जो फैट स्टोर है एज इट्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग स्टारवेशन स्टारवेशन का मतलब जब हम लोग भूखे हैं खाना नहीं खा रहे हैं उस समय मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी का होता है वो फैट होता है जिससे कि कंजर्विंग प्रोटीन प्रोटीन को टूटने से बचाता है कौन फैट कार्बोहाइड्रेट खत्म होने के बाद फैट हमारी बॉडी का टूटना ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है जिससे कि हमारी बॉडी की प्रोटीन बची रहे इसीलिए लाइपोलिसिस हो रही है द ग्लिसरॉल प्रोड्यूस ग्लिसरॉल प्रोड्यूस हुआ है बाय लाइपोलिसिस इज अ सोर्स ऑफ कार्बन जो ग्लिसरॉल है ये मेन सोर्स ऑफ कार्बन होता है फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस मैंने बताया था किसके लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस इसका मतलब सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर फैट ठीक है ना तो जो मेरे पास क्या हो जाएगा नॉन कार्बोहाइड्रेट जो फैट है ये कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं तो जब बिना कार्बोहाइड्रेट वाली चीज से प्रोटीन से या फैट से हमारा ग्लूकोज बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस दिस इज योर एमसीक्यू व्हाट डू यू मीन बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोवाइड ग्लूकोज वेन डायट्री इनटेक इनसफिशिएंट और एब्सेंट अगर आप ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं ठीक है और आपकी बॉडी में फैट है तो ये जो फैट टूटेगा और ग्लिसरॉल से क्या बनाना स्टार्ट करेगा ग्लूकोज जिसको मैंने बताया था ग्लूकोनियोजेनेसिस के माध्यम से पीछे वाले उसमें ठीक है और ये कहां बनती है ग्लूकोनियोजेनेसिस कहां होती है लिवर में होती है अगेन दिस इज योर एमसीक्यू ये बटा सब छोटे छोटे क्वेश्चन है ठीक है अब फ्री फैटी एसिड एफ एफ ए यानी कि ये फ्री फैटी एसिड बात फ्री फैटी आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड ये फ्री फैटी एसिड होते हैं ये टूटते हैं एडिपोस्ट सेल्स में टूट गए वहां से टूटने के बाद ब्लड में चले जाते हैं ये अब ब्लड में जाकर के एलबीविन नाम के प्रोटीन से बंध जाते हैं किससे बंध गए एलबीमिन नाम के प्रोटीन एंड आर आइदर ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीडाइज इन टिश्यूज और जहां पे जरूरत है टिश्यूज के पास ले जाया जाता है होगा, और bodies, या फिर ये कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएंगे बात समझ में ठीक है ना ये कहानी समझ में आ रही है अब मैंने इसीलिए कहा था वो पिक्चर स्टार्टिंग वाला स्क्रीनशॉट सामने रखना तो दिमाग में आ रहा अच्छा फैटी एसिड था फिर करता है कि वो एक्सटाइल को हमको एनर्जी देता है या कीटोन बॉडी देता है ब्रेन तो जो फ्री फैटी एसिड है ये ब्रेन को एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है मतलब ब्रेन में एनर्जी का काम करेगा अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया ठीक है दस डिक्रीजिंग फर्दर कंजन ऑफ ऑलरेडी डिप्लीटेड ब्लड ग्लूकोज और इस प्रकार जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज कम है तो ब्रेन को तो ऑल टाइम 24 फोर आवर क्या चाहिए ग्लूकोज चाहिए चाहिए एनर्जी के लिए वो तो काम कर रहा लगातार तो जब बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज कम हो गया है ताकि वो बचा रहे हमारे लिए तो कीटोन बॉडीज जाकर के वो काम करती है ब्रेन में एनर्जी का जिससे कि फिर ब्रेन ग्लूकोज को लेना बंद कर देता है और हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रिजर्व होता है ये सारा बॉडी का मैकेनिज्म है बड़ा प्यारा मैकेनिज्म है किस तरह बॉडी काम करती है सीखोगे समझोगे तो मजा आता है आगे आते हैं फ्री फैटी एसिड आर यूटिलाइज थ्रू आउट द बॉडी जो फ्री फैटी एसिड थे जो रिलीज हुए हैं यहां पर ये पूरी बॉडी में इस्तेमाल होते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन जहां जहां हमारी बॉडी में एनर्जी की जरूरत है ये हर जगह इस्तेमाल होते हैं और बायोसिंथेटिक पाथवे एक्सेप्ट ठीक है कहां पर वाइट एडिपोज टिश्यू यानी कि जहां पर ये स्टोर थे उस जगह को छोड़ करके जहां पर स्टोर थे वाइट एडिपोज टिश्यू उसको छोड़ के पूरी बॉडी में जाकर के ये एनर्जी दे सकते हैं ध्यान रखेंगे फ्री फैटी एसिड्स किन सेल्स में एनर्जी नहीं देते हैं जहां पर वो खुद स्टोर होते हैं बात समझ में आ रही है इन अ मेटाबॉलिक फास्टिंग स्टेट अगर आप फास्टिंग स्टेट में हैं व्रत में रखे हुए हैं व्हेन द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिप्राइव मतलब छिन गया है बॉडी से न्यूट्रिएंट्स छिन गए हैं क्योंकि आप कुछ खा ही नहीं रहे हो डब्लू ए रिलीजेस जो हमारा एडिपोज टिश्यू है ये रिलीज करेंगे फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल टू सप्लाई नॉन एडिपोज टिश्यू जितने भी नॉन एडिपोज टिश्यू है उनको ये फ्री फैटी एसिड सप्लाई करेंगे और वहां जाकर के फ्री फैटी एसिड्स का क्या होगा बीटा ऑक्सीडेशन होगा वो फिर से कह रहा हूं जो स्क्रीन शॉट था सामने रखो ठीक है <laughs> वो बार बार काम में आएगी और हमको एनर्जी मिलेगी तो ये कहानी समझ में कि लाइपोलिसिस क्यों हो रही है अल्टीमेटली लाइपोलिसिस की वजह क्या है एक लाइन में हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो रही है हमको एनर्जी चाहिए खत्म बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो अब बेटा आपका एमसीक्यू और आगे एग्जिट एक एग्जाम भी है तो बारीकियां थोड़ी सी पता होनी चाहिए अदरवाइज दिक्कत आ सकती है अब लाइपोलिसिस के पाथवे की बात करें अगर हम लोग उसका रास्ता क्या रास्ता अपनाता है लाइपोलिसिस तो देखो यहां पर एक छोटा डायग्राम भी है मेरे पास ये देखो ये है हमारे पास क्या है एडिपोसाइट सेल्स यानी कि एडिपोस सेल्स है हमारे पास ठीक है अब इसके अंदर बहुत सारा ट्राइग्लिसराइड भरा रहता है स्टोर हुआ रहता है यही जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है ठीक है अब होता है क्या यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या देख रहे हैं हम लोग सॉरी <coughs> <coughs> तो हम लोग देखेंगे कि कुछ हार्मोन्स हैं, ठीक है ना और कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जो क्या करते हैं इस ट्राइग्लिसराइड्स को टूटने पर मजबूर करेंगे और ये ट्राइग्लिसराइड जो है टूट करके फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है फिर इनके साथ क्या घटना घटती है वो हम फिर आगे समझेंगे तो आओ समझे थ्योरी में कि थ्योरी क्या हमारी कहती है करंट मॉडल ऑफ लाइपोलिसिस जो आज के टाइम पे लाइपोलिस जैसे कि टाइम ताँप टाइम पे अलग अलग थ्योरीज आती रहती हैं तो आज का जो मॉडल है लाइपोलिसिस का वो कहता है कि तीन एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं एडिपोस ट्राइग्लिसराइड, ठीक है ना? तीन इन्वॉल्व होते हैं कौन कौन से आपका एमसीक्यू भी है दूसरा है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस एच एस एल और तीसरा है मोनोग्लिसराइड लाइपेस बात क्लियर हुई तो आज की जो थ्योरी है मतलब करंट टाइम पे जो मॉडल चल रहा है लाइपोलिसिस को लेकर के वो क्या कहता है वो कहता है कि जो लाइपोलिसिस का जो ब्रेकडाउन है लाइपोलिसिस का जो ब्रेकडाउन है उसके पीछे तीन इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं ठीक है अब समझते हैं थोड़ा सा हम लोग ये जो हमारे पास हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी सारी कहानी रहती है द एक्टिविटी ऑफ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस वो लाइपेस लाइपेस मतलब जो लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम और ये हार्मोन सेंसिटिव है हार्मोन्स की वजह से एक्टिव हो जाता है द एक्टिविटी ऑफ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस इन द एडिपोस सेल इज रेगुलेटेड बाय डिफरेंट हार्मोन्स यानी कि कई सारे हार्मोन्स हैं जो कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस को क्या करते हैं रेगुलेट करते हैं कंट्रोल करते हैं इसमें अगर कैचिकोला माइन्स की कैटेगरी की बात करें पर्टिकुलरली नॉर एपिनेफ्रीन ये आप याद रखेंगे आपका एमसीक्यू है नॉर एपिनेफ्रीन ये प्राइमरी है मेन है आर द प्राइमरी एक्टिवेटर ऑफ फास्टिंग इंड्यूस्ड लाइपोलिसिस तो जो ये नॉरअपिन एफ्रीन है ये प्राइमरी एक्टिवेटर है फास्टिंग इंड्यूस जब आप फास्टिंग में हैं आप खाना नहीं खा रहे हैं व्रत रखा हुआ है उस समय पर ये इंड्यूस करेगा चालू करवाएगा क्या लाइपोलिसिस वाइल्ड अदर हार्मोन्स आल्सो हैव एन इफेक्ट दूसरों को भी इफेक्ट होते हैं मेन इफेक्ट नॉरअपिन एफ्रीन का होता है जो दूसरे हैं उसमें कौन कौन है दिस इंक्लूड कार्टिसोल ग्लूकागोन ग्रोथ हार्मोन एंड एड्रीनोकोट्रोफिक हार्मोन ये भी दूसरे कुछ हार्मोन्स हैं जो कि एक्टिवेट करवाते हैं

तो जो एडीनाइलेट साइक्लेट था वो क्या करेगा ये चेंजेस द एटीपी जो यहां पर एटीपी होगी एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को साइक्लिक एडनोसाइन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा तो साइक्लिक एएमपी है ये अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ये हमारा मैसेंजर का, का काम करता है इसको हम लोग सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं क्या होते हैं ये सेकेंडरी मैसेंजर यानी कि हमारे सेल के अंदर जाकर के मैसेज देने का, का काम करते हैं तो ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा वेरी इंपॉर्टेंट इन सेलुलर सिग्नलिंग सिग्नलिंग या मैसेज देने के काम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइक्लिक एएमपी साइक्लिक एएमपी देन बाइंड्स टू प्रोटीन काइनेज काइनेज ए ए ये प्रोटीन में करना। चिपक जाएगा जाकर के रिजल्टिंग इन इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम फिर ये जो आगे हार्मोन सेंसिटिविटी लाई है इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और ये ट्राइग्लिसराइड को और भी ज्यादा कन्वर्ट करना शुरू कर देता है कहानी समझ में आ रहा है तो इसके अंदर कुछ टर्म्स है वो क्लियर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है आगे आते हैं अब देखो जो अगर तुम लोग जैसे कि एक तो ये कहानी है समझ में आ रही है दूसरा अगर जैसे हम लोग नॉर्मल से एक अगर आपको कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर भूल जा रहे हो सब कुछ तो आप कम से कम ये पक्का याद रखेंगे ट्राइग्लिसाइड एजी टी एल वो कन्वर्ट करेगा डाइग्लिसराइड में फिर एच सी एल हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस उसको मोनोग्लिसराइड में मोनोग्लिसाइड में मोनोग्लिसराइड लाइपेस और ये उसको ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपको चार्ट तो पक्का ही पक्का बनाना है ठीक है और ये साथ में अगर पांच नंबर में तो बेटा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ठीक है अब ये तो कहानी होगी हार्मोन्स की उसके अलावा कुछ डायटरी कंपाउंड जो चीजें हम खाते हैं जैसे कि कैफीन है कैल्शियम है और आल्सो स्टमेट लाइपोलिस जो कैफीन हम खा रहे हैं या कैल्शियम खाते हैं ये भी क्या करते हैं लाइपोलिसिस को स्ट्यमुलेट करते हैं बढ़ावा देते हैं ईच ऑफ दी सब्सटांसिस बाइंड ये सारे के सारे सब्सटांस बाइंड होते हैं जुड़ते हैं जाकर के एंड एक्ट ऑन देयर रेस्पेक्टिव मैमब्रेन बाउंड रिसेप्टर जैसे कि एपिनेफ्रीन जाकर के किसे चिपका था एडेनाइलेट साइकिल से तो उसी तरह ये सारे सब्सटेंस अपने अपने रिसेप्टर पे जाकर के चिपक जाते हैं ठीक है और सिग्नलिंग का, का काम करेंगे एंड एलिसिट अ सिग्नलिंग कास्केड सिग्नलिंग कास्केड मतलब एक सिग्नल का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे कि जाओ भेजो अंदर सिग्नल गया जाके लाइपोलिसिस स्टार्ट हो जाती है यूजिंग अ कॉमन सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी अच्छा चाहे भले इन सबके रिसेप्टर अलग अलग है सिग्नल देने के तरीके अलग अलग है लेकिन जो सबसे अंदर सिग्नल लेके जाएगा वो हमारा साइक्लिक ए ही होगा ये सब में कॉमन रहेगा जो सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एमपी है ये सभी केस में कॉमन रहने वाला जो सिग्नल लेके जाएगा साइक्लिक देन बाइंड वो चिपकता है और है और एक्टिवेट करता प्रोटीन ए को ये प्रोटीन ए के साथ चिपकता है और एक्टिवेट करता है वंस पीके इज एंजाइमेटिकली एक्टिव एक बार अगर पीके एक्टिव हो गया एंजाइम के तौर पर ठीक है इट फोस्फोराट एच एस एल जो हार्मोन सेंसिटिव है उसको फौस्फोरालाइट, फौस्फोरालाइट कर देगा जाके मतलब उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देगा जाकर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द थ्री इंजो एच एस एल है ये इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग लाइपोलिस ठीक है ये लाइपोलिस शुरुआत करने में शुरुआती जो होता है उसमें हेल्प करता है बिकॉज़ इट इज एंजाइमेटिकली एक्टिवेटेड इन ऑल स्टेजेस ऑफ हर्डोलिसिस ये तीनों ही स्टेजेस जो हैं इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक तीनों स्टेज में एक्टिवेट रहता है इकलौता ऐसा है बाकी सब हर स्टेज में एक्टिवेट नहीं रहेंगे एजीटी एटीजीएल परफॉर्म द फर्स्ट स्टेप ऑफ टीएजी हाइड्रोलिसिस देखो एचएसएल शुरुआत करवा दी क्योंकि ये शुरुआत करवा दी उसके बाद जो पहला स्टेप होगा उसमें एटीजीएल परफॉर्म करेगा क्या होता है एटीजीएल याद है क्या होता है एटीजीएल अरे कहा चला गया ओके 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 ये रहा क्या था एटीजीएल एडिपोस ट्राइग्लिसराइड लाइपेस ठीक है ना याद आ गया एच एस एल सेंसिटिव लाइपेस मोनोग्लिसराइड लाइपेस क्लियर है तो इन्हीं तीन एंजाइम का नाम का होने वाला है एटीजीएल परफॉर्म द फर्स्ट स्टेप अब आपको यहां से तो प्रोसेस लिखनी लिखनी है अगर कुछ नहीं लिखना है ऊपर का तो यहां से तो लिखना ही लिखना है कि और ये चार्ट बनाना है मतलब फ्लो चार्ट बनाना है एटीजीएल करता है टी एजी हाइड्रोलिस को ट्राईल को हर्डिलाइज करेगा जनरेटिंग डाइ एसाइल ग्लिस्ट्रोल ग्लिसरॉल एक ही चीज है जिस तरह से ट्राइ ग्लिस को हम लोग ट्राई एसाइल ग्लिस्ट्रोल कहते हैं वैसे इसको हम लोग डाई एसाइल ग्लिस्ट्रोल कहेंगे यानी कि एक स्टेप में हमारा एक जो फैटी एसिड है निकल जाएगा ठीक है ना पहले स्टेप में एंड फैटी एसिड्स तो यहां पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं होता क्या है देखो देखो होता क्या है पहले स्टेप में एक ये निकल जाएगा और बाकी इतना मेरे पास बचा रह जाएगा फिर दूसरे स्टेप में ये भी निकल जाएगा ये रह जाएगा तो देखो जब दो बच्चे रहते हैं तो डाइग्लिसराइड्स केवल एक बच्चा रहेगा तो मोनोग्लिसराइड जब ये भी निकल जाएगा तो केवल ये क्या रह जाएगा ग्लिसरॉल रह जाएगा बात समझ में आ रही है पहला निकलेगा तो ये दोनों जुड़े रहेंगे यहां पर तो हम कहते हैं डाइग्लिसराइड्स ये भी दोनों निकल जाएंगे ये जुड़ा रहेगा तो कहते हैं हम मोनोग्लिसराइड्स ठीक है ना तो उसी के हिसाब से यहां पर नाम पढ़ रहे हैं ये ओके तो यहां पर एक चीज और एड कर सकते हैं डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड

क्लियर है तो ये सारी कहानी इसकी थी और अगर हम बात करें इंसुलिन की तो इंसुलिन जो होता है वो लाइपोलिसिस को इनहिबिट कर देता है रोक देता है ठीक है अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इंसुलिन की अगर कमी होती है तो बढ़ जाती लाइपोलिसिस अधिकता हो जाएगी तो रुक जाएगी ठीक है ये कॉन्सेप्ट भी आगे आ जाएगा तो ये हमारा लाइपोलिसिस का फ्लो चार्ट आपको ये करना ही करना है अब आप सोच सकते हैं कुछ बच्चे डायरेक्ट केवल ये पढ़ के चले जाते हैं और फिर बच्चे कहते हैं कि हम तो लिख के आए थे इतना इतना लिखा था हमें नंबर नहीं मिले वहीं पर एक बच्चा पांच नंबर के सवाल में बात को समझना जरा पांच नंबर के सवाल में एक्सप्लेन करके आ रहा प्रॉपर चीजों को लाए पुलिस इस क्या है ठीक है ना उसका पाथवे कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं क्या क्या चीजें हैं वो सारी बातें बता करके आ रहा है वो तो जाहिर बात है बेटा फिर जो ज़्यादा बताएगा नंबर उसको ज्यादा मिलेंगे आप केवल इतना बता के आ गए पांच नंबर में तो नंबर फिर उस हिसाब से कम मिलते हैं ठीक है ना तो बेसिक सारा उसके आसपास की चीजें लिखोगे तो पांच नंबर में आपको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट वॉट हैपन टू क्लियर है ठीक है फिर कह रहा हूं, करके वाला चार्ट जो था, उसको देखते रहना, हम कहां पहुंच गए और फैटी एसिड यहां से अब हमारी आगे कहानी स्टार्ट होगी क्लियर तो कह रहा है क्या होता है थोड़ा सा समझो उसके बारे में द लिवर यूजेस ग्लिसरॉल एज ए सोर्स ऑफ कार्बन लिवर ग्लिसरॉल को कार्बन के सोर्स की तरह यानी कि ग्लिसरॉल से जो कार्बन है क्योंकि ग्लिसरॉल में हमारे पास कितने कार्बन है हम देख पा रहे हैं ग्लिसरॉल में हमारे पास तीन कार्बन होते हैं होते हैं कि नहीं होते कहां गए यहां ग्लिसरॉल में हमारे पास एक दो और तीन कार्बन है तो जो लीवर है वो क्या करता है ग्लिसरॉल के कार्बन ग्लिसरॉल के अंदर से कार्बन निकाल लेता है क्यों क्योंकि उसको क्या करनी है ग्लूकोनियोजेनेसिस करनी है ग्लूकोज बनवाना है प्रोड्यूसेस ग्लूकोज फॉर टिश्यू जिससे कि वो टिश्यूज के लिए क्योंकि ग्लूकोस की कमी हो रही है तभी तो फैट का लाइपोलिस uh, हो रही है फैट का ऑक्सीडेशन होगा करके ठीक है ना इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड रेड ब्लड सेल्स तो यानी कि जितने भी सेल्स हैं उनके लिए उसे ग्लूकोज बनाकर तैयार करना क्योंकि बॉडी में ग्लूकोस की कमी हो गई है तो वो ग्लुस्ट्रॉल से क्या कर लेता है तीन कार्बन निकालेगा ठीक है यह तो ग्लुस्ट्रॉल की कहानी फ्री फैटी एसिड आप ट्रांसपोर्टेड टू लीवर ये भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लीवर को बाय बाइंडिंग टू एल्बुमिन ये याद रखेंगे लीवर में डायरेक्ट नहीं जाएंगे एल्ब्यूमिन के साथ बंद करके फिर पहुंचते हैं वहां पर इन हेपेटोसाइड उम्मीद है, है का मतलब पता होगा लीवर के जो सेल्स होते हैं उनको हैपेटोसाइड्स कहते हैं फ्री फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन द माइटोकॉन्ट्रिया लिवर सेल्स के अंदर फ्री फैटी एसिड्स माइटोकॉन्ट्रिया के अंदर एसिटाइल में बदल जाते हैं एसिटाइल का क्या होता है क्रैप साइकिल में एंटर कर जाता है

एनर्जी प्रोड्यूस होती है अब इसी के कीटो कीटो मतलब कीटो देकर कीटोन बॉडीज में बदल जाएगा क्योंकि कीटोन बॉडीज आगे जाकर के ज्यादा एनर्जी देती है जब जरूरत पड़ती है तो, तो कीटोजेनेसिस क्या है इन द लिवर फैटी एसिड्स कन्वर्ट टू कीटोन बॉडीज फैटी एसिड्स हमारे ठीक है कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम कीटोन कीटोजेनेसिस कहते हैं डैट आर ऑक्सीडाइज बाय टिश्यू एज मसल्स किडनी ड्यूरिंग स्टारवेशन ठीक है ना यानी कि जब बहुत लंबे समय तक हम लोग खाली पेट रहते हैं तब जाकर के कीटोजेनेसिस हमारी स्टार्ट हो जाती है ठीक है द ब्रेन यूजेज कीटोन बॉडी फॉर एनर्जी ब्रेन भी इस्तेमाल कर लेता है तो हमारे लिए अच्छी बात है ग्लूकोज हमारी बॉडी में बचा रहता है तो कीटोजेनेसिस भी यहां पर आ गई अब स्टार्टिंग वाला फ्लो चार्ट देख लो बार बार कह रहा हूं, उसको सामने रखो फ्लोजाहन लगे कि नया आ गया तुरंत तो वीडियो पॉज करके वहीं पे चेक करते चलो पूरा सीक्वेंस दिमाग में सेट रखोगे तो ये पूरा कहानी बहुत अच्छे समझ में आती रहेगी फिर बता रहा हूँ अदरवाइज सीक्वेंस दिमाग में नहीं रहेगा तो रैंडम हो जाएगा अरे कहाँ से ये आ गया ऑक्सीडेशन से कीटोजेनेसिस स्टार्ट होगी पता नहीं चलेगा ओके नाउ अब हमारे पास लाइपोलिसिस हो चुकी है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स हमारे पास आ चुके हैं अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्लिसरॉल से क्या हुआ ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल का तो देखो तो सिंपल सी कहानी अगर मैं बात करूं तो ग्लिसरॉल ये आपको चार्ट याद करना है यहां पर ठीक है ना ये आपको चार्ट याद करना है ग्लिसरॉल का क्या होगा ग्लिसेट ये किसान बदल जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट याद है ये कहां एंटर कर जाता है ग्लाइकोलाइसिस में ठीक है ना और इसका उल्टा हो सकता है कि आगे जाके थ्री ग्लिसलडिया फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाए और या ग्लाइकोलिस में चला जाएगा तो पैरिवेट बन जाएगा और ग्लूकोनियोज करेगा तो ग्लिसरॉल तो है, है कि वो ग्लाइकोलिस एंट्री करेगा या फिर वो ग्लुकोन एंट्री करेगा जैसी जरूरत है ना करना है, की तरह है। तो ग्लिसरॉल की कहानी क्या है देखें, कहां -कहां पर क्या क्या घटनाएं घटती है, है इसके केस में ग्लिसरॉल एंटर द ब्लड स्ट्रीम हमारे खून में एंटर कर जाता है कहानी याद आ रही है वो एडिपोस टिश्यू से ट्राइग्लिसराइड ब्रेक रहे थे और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड निकल के आ गए थे ग्लिसरॉल एंटर कर लेता है ब्लड स्ट्रीम में हमारे खून में देन टू में चला जाएगा फॉर ग्लूकोनियोज या तो ग्लूकोस बनाएगा या ग्लाइकोलिस करेगा या ट्राइसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस या वापस से टीएजी बना देगा डिपेंड करेगा ग्लिसरॉल कैन नॉट बी यूज इन एडिपोस्ट टिश्यूज ग्लिसरॉल खुद से वापस से एडिपोस्ट टिश्यू में इस्तेमाल नहीं हो सकता है फॉर टीएजी सिंथेसिस लिवर में जाके तो बना देगा बट वापस से एडिपोस्ट टिश्यू में टीएजी सिंथेसिस नहीं कर सकता क्योंकि no जो कि को तोड़ेंगे ठीक है, ग्लिसरोक्टिवेट टिश्यू टू टू ग्लिस्ट्रोल थ्री फॉस्टेट फॉर टीएजी सिंथेसिस टीएजी सिंथेसिस ग्लिसरॉल से हमको अगर क्या बनाना है टीएजी सिंथेसिस करवानी है तो एक एंजाइम चाहिए होता है एंजाइम जो लिवर में तो पाया जाता है बट एडिपोस टिश्यू में नहीं होता है क्लियर हो गया इन लिवर इज टू प्रोड्यूस ग्लिसूस ठीक है ग्लिस्टरोल का हम लोग ग्लिस्ट्रोल थ्री फॉस्फेट जो कि यहां पर हम लोग नहीं बना पा रहे थे एडिपोस टिश्यू में लेकिन लिवर बना ले जाता है ग्लिस्रॉल थ्री फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू डाइहाइड्रोक्सी ऑसिटोन फॉस्फेट विच कैन एंटर ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस तो आ, लिवर में जाकर के जो हमारा ग्लिसहाइट थ्री फॉस्फेट था या ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट है ठीक है वो जो है हमारा डाईहाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है और वो आगे जाकर के पायरवेट या ग्लूकोस में जाकर के कन्वर्ट हो सकता है क्लियर है कहानी तो यहाँ पर केवल एक पॉइंट समझना था हमें कि एडिपोज टिश्यूज में टीएजी की सिंथेसिस नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ पर ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम नहीं होता है वहीं पर जो लिवर है वो ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल सिर्फ फॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेता है और कन्वर्ट करके आगे ये प्रोसेस करके अपना काम करता है तो ये तो कहानी खत्म होगी ग्लिसरॉल की ग्लिसरॉल का इस्तेमाल हो गया अब किसका इस्तेमाल होना है फैटी एसिड्स का तो अब हमको यहां से आगे कहानी पता है पैरिवेट क्या करेगा क्रैप साइकिल में एंटर कर जाएगा ग्लूकोज आगे जाके ग्लाइकोलाइसिस हो सकती है फिर वो एनर्जी दे सकता है डिपेंड करेगा आगे क्या हो रहा है इसकी कहानी हमको आगे पता है सेम ही है समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही हैं अब देखो बेटा फैटी एसिड वेरी वेरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना फैटी एसिड जो हमारे ब्लड में है उसके साथ क्या घटना घटेगी आप हाँ बड़े ध्यान से समझना अब क्या कह रहा है स्टार्टिंग शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड जो छोटी चेन वाले दो चार पांच कार्बन वाले हैं छह कार्बन वाले हैं फैटी एसिड होते हैं डिफ्यूज फ्रीली इन टू द साइटोसोल क्या मतलब हो गया जो हमारा ब्लड है और यहां बगल में क्या है सेल है यहां से फैटी एसिड आराम से इजीली यहां से यहां चला जाता है छोटे वाले शॉर्ट चेन वाले ठीक है यहां पे क्या है ब्लड ब्लड से वापस कहाँ चला गया साइटोसोल चले जाएंगे ठीक है फ्रीली इनटू द साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्री ऑफ सेल्स बट फ्री फैटी एसिड्स बट फ्री फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन ये क्या होती है लंबी चेन होती है देयर फोर नीड मीडिएटर इसीलिए इनको मीडिएटर की जरूरत होती है फिर से जो हमारे फ्री फैटी एसिड है ये लंबी चेन होती हैं, 16 चेन 16 है 17 है नॉर्मली हम पामेटिक एसिड का जिक्र करेंगे यहां पर जो कि 16 कार्बन की चेन होती है ये डायरेक्ट हमारे साइटोसोल में एंटर नहीं कर सकती हैं। तो इनको किसी के माध्यम से एक हेल्पर एक मीडिएटर चाहिए होता है जो इसको लेकर के यहां तक पहुंचेगा तो पहले स्टेप में हम यही समझेंगे हाउ फैटी एसिड ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस माइटोकॉन्ड्रिया मतलब यहां ब्लड सेल से सेल के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया तक ये कैसे पहुंच गए तो पहला स्टेप ये समझे बात समझ में आ गई कहानी याद है ट्राइग्लिसराइड्स ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड ये दोनों ब्लड में आ गए थे ग्लिसरॉल की कहानी खत्म होगी फ्री फैटी एसिड डायरेक्ट सेल के अंदर एंट्री नहीं कर सकता जो लिवर सेल्स होते हैं उनके अंदर एंट्री नहीं कर सकता है तो और लिवर सेल के अंदर भी जाने के बाद तो प्रकार ये वहां तक पहुंचते हैं तो आओ उसकी कहानी समझे पहले तो लॉन्ग मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे से इस यहां और यहां से कहा जाएंगे जाएंगे सेल मेम्ब्रेन। के, के अंदर जाने के लिए और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ताकि वो साइटोसॉल में पहुंचे साइटोसॉल मतलब साइटोप्लाज्म में पहुंचे वायडिएटर दैट इज मीडिएटर फैटी एसिड ट्रांसलोकेस ठीक है क्या ये मिडिएटर कौन सा है फैटी एसिड ट्रांसलोकेस और फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन इसके माध्यम से यह फैट को ले जाएगा कहां सेल के अंदर यानी कि साइटोसोल कह लो या साइटोप्लाज्म कह लो ठीक है जो लिवर का साइटोप्लाज्म है मतलब लिवर सेल हेप्टोसाइड सेल्स से, है वहां पे ये पहुंचेंगे ये ठीक है फैट मेरा कहां पहुंच गया सेल के अंदर अब जो सेल है सेल के अंदर क्या होंगे माइटोकॉन्ट्रिया होंगे सेल के अंदर क्या होंगे माइटोकॉन्ट्रिया होंगे तभी माइटोकॉन्ट्रिया में नहीं गया अब जैसे ही फैट सेल के अंदर पहुंच गया एसाइल को सिंथेस देन द फैटी एसिड एसाइल को सिंथेस उसके बाद कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड को टू फैटी एसाइल को वेरी इंपॉर्टेंट फैटी एसाइल को फैटी एसिड किसमें कन्वर्ट हो चुका है फैटी एसाइल को क्योंकि ये आपको यहां ध्यान रखना है आगे हम जो इसका वो पढ़ेंगे ना ये देखो फैटी एसाइल को बच्चे कई बार कहते हैं कि हम पढ़ रहे थे फैटी एसिड लेकिन यहां तो हम लोग किसको कन्वर्ट कर रहे हैं फैटी एसाइल को कन्वर्ट कर रहे हैं फैटी एसिड कहां चला गया तो ये चार्ट को समझने के लिए हमको वो प्रोसेस को समझना जरूरी है तो जो फैट मेरा साइटोप्लाज्म में गया वहां पर मेरे पास एक एंजाइम मिला है उसने फैटी एसिड को कन्वर्ट कर दिया फैटी को में क्लियर है बातें अब जो ये है फैटी एसाइल को मस्ट नाउ बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तो माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है तो पहले उसको आउटर मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी और फिर इनर मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी किसको फैटी एसाइल को अभी ये समस्या क्या है डायरेक्ट एज इट इज कन्वर्ट क्रॉस नहीं कर सकता तो होता क्या है बाय कार्नेटिन पामिटॉयल ट्रांसफरेज ठीक है उसको जब माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो किसके माध्यम से कर रहा है बाय कार्नेटिन पामिटॉयल ट्रांसफरेज वन सीपीटी वन जो एंजाइम है इसके माध्यम से वो क्या कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन क्रॉस कर रहा है वेयर इट बिकम फैटी एसाइल कार्नेटीन अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब किसने क्रॉस किया क्योंकि ये के साथ जुड़ गया था ठीक है कार्नेटीन वाला तो अब ये फैटी एसाइल को एंजाइम ए की जगह पे फैटी एसाइल कार्नेटीन बन जाता है क्या बन गया फैटी एसाइल कार्नेटीन ध्यान से समझना बेटा फैटी एसाइल कार्नेटीन बन गया ठीक है अब फैटी एसाइल कारनेटीन इज देन ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इनर मैमब्रेन अब जो ये फैटी एसाइल कार्नेटीन है ये इनर मैमब्रेन को क्रॉस कर सकता है ठीक है और यह जब इनर मैम्रेन क्रॉस करता है इन टू मैटोमेटिक बाई कार्नेटीन एसाइल ट्रांसलोकेस कैट के माध्यम से इसको भी अंदर की मैमब्रेन क्रॉस कराने के लिए एक और इंजाम की जरूरत पड़ती है कार्नेटिन एसाइल ट्रांसलोकेस एंड कन्वर्टेड बैक टू और वापस जब ये फाइनली अंदर माइटोकॉन्ट्रेट के सबसे अंदर पहुंच गया बात को समझते हैं जैसे सपोज ये माइटोकॉन्ट्रिया था और ये माइट्रोकॉन्ट्रेट के अंदर इस टाइप से होता है ना याद आ रहा होगा तो पहला स्टेप यहां से यहां आया फिर यहां से यहां आया जो यह अंदर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं माइटोकॉन्ट्रेल मैट्रिक्स जब ये माइटोकॉन्ट्रेल मैट्रिक्स में आ गया तो जब ये यहां पहुंचा तो फैटी एसाइल कार्निटिन ठीक है एफ ए सीम यहाँ लिख देता हूं मैं ये एफ ए सीम बन गया यहां पे क्या था फैटी ए था यहां से आया फैटी हो गया जब यहां, से यहां आता है और वापस से ये क्या बन जाता है किसके माध्यम से बनता है आओ देखें तो जो फैटी एसाइल कार्नेटीन था वो अंदर की मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है कार्निटिन एसाइल ट्रांसलोकेस की हेल्प से एंड कन्वर्टेड बैक और वापस से कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसाइल कोई पामिटॉइल जो स्टार्टिंग में ट्रांसफर था वन था ऊपर ये सीपीटी टू हो गया वेर इट इज नाउ रेडी फॉर ऑक्सीडेशन अब ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होने के लिए रेडी है एनर्जी देने के लिए रेडी है बात समझ में आई तो ये चीज आपको समझनी है यहां पर इंपॉर्टेंट है फैटी एसिड मोटेबोल में क्योंकि जो फैटी एसाइल है ये फैटी एसिड फैटी कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ तो हुआ कैसे ठीक है अब बात कर लेते हैं बीटा ऑक्सीडेशन की तो बीटा ऑक्सीडेशन को हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहां बच्चे थोड़ा सा और कंफ्यूज रहते हैं देखो क्या है बीटा ऑक्सीडेशन इज यानी कि अब जो ये मेरा फैटी असाइल कोएंजाइम है इसको मैं बता दूं अगर तो देखो होता क्या है जब फैटी असाइल को ए, ये टूटेगा 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 और अल्टीमेटली ये मान लो सिक्सटीन कार्बन है

और हमको क्या मिल जाएगी एनर्जी मिल जाएगी तो बस यही समझना था ये साइकिल तब तक चलती रहेगी इसमें से दो दो कार्बन कम होते रहेंगे 16 में से दो कार्बन एस निकल जाएंगे फिर 14 में से दो कार्बन निकल फिर यहां 12 बचेंगे फिर यहां 10 बचेंगे फिर यहां 8 बचेंगे इस तरीके से पूरा ये ऑक्सीडाइज होता है क्लियर है तो देखो तो 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 वही कह रहा है यहां पर वही चीज समझाई जा रही है बीटा ऑक्सीडेशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन क्या है फैटी एसिड का डिग्रेडेशन है यानी कि उसका टूटना है बाय रिमूविंग टू कार्बन दो कार्बन को रिमूव करके एट ए टाइम एक समय पे दो कार्बन रिमूव किए जाते हैं इट इज द प्राइमरी पाथे फॉर कैटाबॉलिज्म ऑफ फैटी सबसे प्राइमरी मतलब मेन रास्ता यही है फैटी एसिड को तोड़ने का एंड टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स दिस इज एमसी की कहां पर हो रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है ऑफ टिश्यू सच एज लिवर माइटोकॉन्ड्रिया कहां का है लीवर का है मसल्स का है या एडिपोस आ, लिवर मसल्स एंड एडिपोस ठीक है ना वहां पर जाकर के ये हमको एनर्जी देते हैं टू कार्बन फ्रेगमेंट्स दो कार्बन के दो कार्बन हर बारी सक्सेसिवली रिमूव फ्रॉम द कार्बोक्सिल एंड ये जो दो कार्बन है हर बारी किस तरफ से निकलेंगे अभी इसका जो फॉर्मूला हम देखें ठीक है जिस तरफ से ये कार्बोक्सिल यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एंड होता है ना यहां से हर बारी दो दो कार्बन कम होते चले जाएंगे ठीक है यानी कि हर बारी यहां से इस तरह से दो कार्बन ये निकलते चले जाएंगे ओके कार्बोक्सिल एंड ऑफ द फैटी एसाइल कोई प्रोड्यूसिंग और क्या प्रोड्यूस करेंगे एनएडीएच एफ एडीएच एंड एसटाइल को तो हम देख सकते हैं यहां पर क्या क्या मिल रहा है हमको एनएडीएच मिला एफ एडीएच मिला और साथ साथ में क्या मिल गया तो ये, NADH, FADH, ये भी एनर्जी देंगे और एसटाइल को क्या देंगे ईटीसी में जाकर के, के एनर्जी देंगे? देंगे तो अल्टीमेटली ढेर सारी एनर्जी मिलने वाली है कहानी समझ में आ गई विच इज यूज इन साइकिल टू मेक ए टीपी वही सारी कहानी है तो इसीलिए मैंने वो स्टार्टिंग में आप लोगों को बेटा बताया था ना वो पूरी कहानी समझाई थी वो इसीलिए कही थी ताकि आप उसको लिख करके सामने रखें और दिक्कत ना हो अब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड अब हम लोगों को क्या है क्योंकि हमारे सिलेबस में पामिटिक एसिड करके तो चाहे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड हो जाए या कोई भी एसिड होगा तरीका सेमी रहने वाला पामिटिक एसिड को लेकर खास फोकस किया जा रहा है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड इज मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट ऑकर इन द माइटोकॉन्ड्री ऑफ सेल्स

विच कैन देन बी यूज इन दिट्रिक एसिड साइकिल में टू जनडरेड एनर्जी और ये जो एस्टाइल को एंजाइम ए है ये अल्टीमेटली क्रैप साइकिल में जाकर के हमको एनर्जी देगा तो फिर आपको ये याद रखना अच्छा पहली चीज अगर आपको स्ट्रक्चर ये याद नहीं हो रहे कोई बात नहीं आप सीधा ऐसे करेंगे फैटी एस्टाइल को एंजाइम में ये यहाँ बना लेंगे ये लिख देंगे फिर यहाँ बना लेंगे ये लिख देंगे और ये करेंगे ये मतलब स्ट्रक्चर भूल रहे हो कोई बात नहीं भूल जाओ लिखना जरूरी है आखिरी में क्या मिल रहा है वो नाम याद रखने हैं भले एक बार को स्ट्रक्चर याद ना रहे ओके ठीक है तो बस इसके जो तो चार स्टेप हैं अब जैसे यहां पे आप सीधा लिख सकते हैं मान लो आप डायरेक्ट कोई बच्चा लिखना चाहता है क्या बीटा ऑक्सीडेशन अब उसकी चॉइस है बीटा ऑक्सीडेशन या पॉमेटिक एसिड ऑक्सीडेशन ये चार्ट बना ले और उसके बाद बस यही तो चीज है उसके बाद ये एक्सप्लेन कर ले छोटा हो गया उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दे चार्ज पहला क्या है एक्टिवेशन डीहाइड्रोजनेशन हाइड्रेशन और अगेन डीहाइड्रोजनेशन तो देख पा रहे हैं यहां पर क्या है? लगा हुआ है यहां पर. सबसे पहले क्या बनेगा पामिटॉल को फिर जो पामिटॉइल को देन डिहाइड्रोजनेटेड बाय द एंजाइम एसाइल को डीहाइड्रोजनेस टू फॉर्म ट्रांस डेल्टा टू इनोइल को तो फैटी एसाइल एक स्टेप जो यहां पे लिखा नहीं वहां मेंशन है पामिटाइल वाला ठीक है उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा ट्रांस डेल्टा टू इनोइल को ठीक है वही सारी चीजें हैं जो यहां लिखनी है यहां पे चाहो तो स्टार्ट में एक एक्स्ट्रा एक 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 वाला पॉइंट वो एड कर सकते हो जो मैंने यहां पे लिखा है क्या कि पामिटिक एसिड पामिटॉइल को तो एक्चुअली जो ये फैटी एसाइल कोई है ना तो जो फैट पामिट एक्चुअली यही फैटी एसिड यहाँ की इसकी जगह पे क्या लिखना है हमको लिखोगे पामिटॉइल और जो हम फैट की बात कर रहे थे फैट एंटर किया है वो हम पामिटिक एसिड की बात कर रहे थे कि वो एंटर किया है। तो यहां पे जो फैटी एसिड मेंशन नहीं है वो क्या मेंशन हो जाएगा पामिटॉइल मेंशन हो जाएगा क्लियर है बात समझ में आ रही है

ठीक है हाइड्रेशन द ट्रांस डेल्टा टू इनऑयल इज देन हाइड्रेटेड पानी जुड़ेगा बाय द इंजाइम इन ऑयल को हाइड्राटेस्ट टू फॉर्म एल थ्री हाइड्रोक्सी कोएंजाइम को ठीक है अब इसका हाइड्रेशन हो जाएगा हाइड्राटेस एल थ्री या थ्री एल एसाइल कोएंजाइम को बन जाएगा बात समझ में आ गई आगे आते हैं देन डीहाइड्रोजनेशन एल थ्री हाइड्रोक्सी यानी कि हाइड्रोजन यहां से निकलेगा एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एच तो अल्टीमेटली क्या होगा यहां पर यहां से जो यहां पार्ट है ये बीच में कीटो एसएल वाला पार्ट गायब है उसमें जो लिखा नहीं मैंशन नहीं किया है, मतलब सीधा ये दिया हुआ है ठीक है दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखें उसके बाद ये सारे स्टेप मैं कर दें ठीक है तो क्या बन रहा है वहाँ से हमारे पास बन रहा है साथ साथ में क्या निकल रहा है बन रहा है ठीक है तो ये चार्ट एज इट इज याद कर लेंगे पामेटिक एसिड होगा तो यहां पर एंजाइम ए लिख देंगे दैट्स इट उसके अलावा कुछ नहीं नीचे का अगर नहीं ये नहीं लिखना चाहते हैं ये चार पॉइंट ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ये चार्ट अपने आप में सारी बातें बता रहा है ओके अब क्या मिल गया एस्टाइल को मिल गया

ठीक है द प्रोसेस इज रिपीटेडिल ऑक्सीडाइज तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारा का सारा फैटी एसिड ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता है क्लियर है उम्मीद है बीटा ऑक्सीडेशन समझ में आ गया होगा बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को यहां पर ठीक है तो पानी वानी पी लो वीडियो को पॉज करना है पॉज कर लो क्योंकि मेरे को तो एक ही लेक्चर में से कवर करना है क्योंकि सब जुड़े हुए हैं आपस में ठीक है बात समझ में आ गई ओके okay, पांच मिनट का रेस्ट लेना है, रेस्ट ले लो और उसके बाद क्लास में जुड़ो मतलब लेक्चर देखना स्टार्ट करो चले आगे तो फैटी एसिड का भी काम हो गया ग्लिसरॉल का भी काम हो गया लेकिन कई बार कहानी क्या होती है ये एसिटाइल कोई में डायरेक्ट ना होकर के ये डायरेक्ट क्रैप साइकिल में एंटर ना करके एनर्जी ना दे करके ये कहां चला जाता है कीटोजेनेसिस करने चला जाता है ठीक है तो नाउ कीटोन सिंथेसिस कीटोजेनेसिस बात समझ में आई क्या थी कहानी कि कई बार ये एक्सटाइल को डायरेक्ट एनर्जी ना देकर के बना देता है। ऐसा क्यों कब ये लगातार हमारी बॉडी में चलता रहता है, है ना, मशीन थोड़ी बहुत चलती रहती है बट लेकिन अंडर सटन कंडीशन कुछ खास कंडीशन वेन देर इज एन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में फैटी एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाए और या फिर कार्बोहाइड्रेट रिजर्व जो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व है कीटोजेनेसिस एट हायर रेट बताया था कीटोजेनेसिस कब होता है स्टार्टिंग में कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं ये कंडीशंस हैं अंडर लो ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बॉडी का ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो गया है ड्यूरिंग फास्टिंग और स्टारवेशन जब हम लोग फास्टिंग कर रहे हैं या स्टार्वेशन मतलब खाना आ, खाना बीना नहीं खा रहे हैं हमारी बॉडी से से ग्लाइकोजन पूरी तरीके खत्म हो गया है। या वेन देर इज इनसफिस इंसुलिन है ही नहीं हमारी बॉडी में, तो हम लोग जो खाते हैं वो ग्लूकोज ब्लड में रहता है हमारे बॉडी में अंदर सेल तक पहुंचता ही नहीं है कि एनर्जी मिल सके क्लियर है तो कीटोजेनेसिस कब होती है क्यों होती है वाई, वाई, वाई। तो ये आगे आते हैं। ऑल द मेन बॉडी पार्ट कीटोजेनेसिस यानी कीटोजेनेसिस के माध्यम से फिर आगे होगी, यानी जो एनर्जी जो बनती है उसको हमारी बॉडी के लगभग सारे पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं कीटोन लेवल आर लो ड्यूरिंग नॉर्मल फीडिंग जब हम नॉर्मल खाना पीना खाते हैं तो हमारी बॉडी में कीटोन क्योंकि कीटोन तब तो बनते नहीं कीटोन बॉडी काफी कम होते हैं ठीक है नॉर्मल फीडिंग एंड फिजियोलॉजी स्टेटस यानी कि नॉर्मल जब कंडीशन है हम बीमार बीमार नहीं है तो कीटोन बॉडीज सही रहती है कीटोन आर फाउंड व्हेन देयर इज नॉट इनफ सुगर हमारी बॉडी ने पर्याप्त मात्रा में शुगर नहीं है और ग्लूकोज टू सप्लाई द बॉडीज फ्यूल नीड हमारी बॉडी को जो नीड है फ्यूल की एनर्जी की वो पूरी नहीं पड़ पा रही है ग्लूकोज लेवल काफी डाउन हो गया है तो क्या होगा कीटोन बॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी ठीक है अभी कैसे बनेंगी क्या बनेंगे अभी देखेंगे ड्यूरिंग द फास्टिंग स्टेट जब हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं फास्ट कर रहे हैं व्रत रख रहे हैं फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज इन द दीवर जो फैटी एसिड होते हैं वो लीवर में किस में कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल को यहां तक की कहानी अभी अभी देखी है हमने है ना किसमें कन्वर्ट हो गए थे एसिटाइल को लेकिन इसके बाद वो डायरेक्ट एनर्जी नहीं देते हैं क्यों नहीं देते हैं उसकी कहानी भी यहां पर आ जाएगी जो एस्टाइल को विच कन्वर्ट टू द कीटोन बॉडीज फिर ये कीटोन बॉडीज बनने चले जाते हैं कौन कौन सी कीटोन बॉडीज होती है एस्टो एसिडेट डी बीटाहाइड्रोक्सीबीटरेट एंड एसिटोन एमसीक्यू है कि कौन कौन सी कीटोन बॉडीज होती है ठीक है ना आगे नॉर्मली ड्यूरिंग अ फास्ट रखा है व्रत रखा है मसल्स मेटाबोलाइजिस्ट कीटोन बॉडीज एज रेपिडली एज द लिवर रिलीज जैसे ही लिवर रिलीज करता है कीटोन बॉडीज को वैसी मसल्स यूटिलाइज कर लेती है ठीक है प्रिवेंटिंग देयर एक्यूमुलेशन इन द ब्लड और इस प्रकार जो कीटोन बॉडीज हैं वो हमारे ब्लड में इकट्ठी नहीं, नहीं होती है एक्यूमुलेट नहीं होती है इफ कीटोन इंक्रीज सफिशियंटली इन द ब्लड अगर कीटोन बॉडी हमारी बॉडी में ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी दिस कैन रिजल्ट इन कीटो एसिडोसिस जो कि एक प्रॉब्लम है लिपिड का डिसऑर्डर है जिसको हम डिसऑर्डर वाले लेक्चर में पढ़ेंगे भी विच इज स्पेशली प्रिवेलेंट इन पीपल विथ टाइप वन डायबिटीज

थाइोलेस की मौजूदगी में कन्वर्ट होते हैं एसिटो एसिटाइल को बात समझ में आ रही है इसी को याद कर लेंगे वो भी तब भी चलेगा स्ट्रक्चर याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है नाम याद होना चाहिए एसिटो एसिटाइल को ठीक है एच एम जी कोजाइमे सिंथेस की मौजूदगी में एच एम जी क्या हो जाता है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्यूटरेट ठीक है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्यूटरेट ये इसका फुल फॉर्म भी आपका एमसीक्यू है इसमें कन्वर्ट हो जाता है और जो एच एम जी को ए है, ये अल्टीमेटली एसिटो एसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है और एसिटो एसिटेट फर्दर दो में कन्वर्ट हो सकता है एसिटोन में और बीटा बीटाइट में कन्वर्ट हो सकता है तो ये नीचे की तीन हमारे पास क्या थी कीटोन बॉडीज है ठीक है आओ देखें जरा तो कीटोजेनेसिस क्या है तो यही स्टेप यहां लिख देने द कीटोजेनेसिस प्रोसेस ऑकर

थ्री हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लोटरेट कोसिस द स्टेप इज केटलाइज बाई एच एमजी को यहां से यहां कन्वर्ट होने में या जरूरत पड़ेगी तो वही सारी बातें यहां पर लिखनी है क्लियर है बातें ठीक है और अल्टीमेटली हमको यही सारे पॉइंट है एस्टो आए एसिटेड फॉर्मेशन फिर हमारा क्या बन रहा है एस्टो एसिड फॉर्मेशन हो रहा है किसकी मौजूदगी में हो रहा है एच एम जी कोजाइम ए की मौजूदगी में हो रहा है फिर एस्टो एसिड दस प्रोड्यूस जो कि बन गया है फॉर्म्स अदर कीटोन बॉडी ये खुद एक कीटोन बॉडी है ये फर्दर दो और कीटोन बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है एसिटोन बाय डी ठीक है ये डी हो रहा है यहाँ पर एंड डी बीटा हाइड्रोक्सी बीटा रेट बाय रिडक्शन यहां पे क्या हो जाएगा ये रिडक्शन होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो यही वाला चार्ट लिख दोगे ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बात समझ में आ रही है तो ये मेरे पास क्या हो गई कीटोजेनेसिस हो गई कीटोजेनेसिस क्यों हो रही है उसका कारण भी आ गया उसका कारण भी आ गया बहुत ध्यान से बेटा एक्स्टाइल कोई में जो मेरा बना था ठीक है ना तो वो आगे जाके एनर्जी ना देकर के कीटोन बॉडी में कन्वर्ट हो गया अब कीटोन बॉडी में कन्वर्ट तो हो गई है अब बात आएगी ये कीटोन बॉडीज बन गई हैं ये एनर्जी किस प्रकार देती हैं यानी कि कीटो चले लास्ट टॉपिक ओके तो कीटोलाइसिस कीटोन बॉडी यूटिलाइजेशन भाई जो कीटोन बॉडी बन तो गई है स्टाइल को एंजाम से अब उनका इस्तेमाल भी तो कर लें वहां से भी तो एनर्जी निकाल लें हमें एनर्जी की तो सारी कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग तो क्या कह रहा है कीटोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ कैटाबोलाइजिंग कीटोन बॉडी तो कीटोलाइसिस में क्या हो रहा है हम कीटोन बॉडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हमको एनर्जी मिल सके और ये अपोजिट होता है कीटोजेनेसिस का हम सबको पता है कीटोलाइसिस प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस ठीक है देन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन सीधी सी बात ये होगी यानी कि एटीपी सिंथेसिस के लिए ये हमको कहीं ना कहीं ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है क्यों हम लोग हमारी बॉडी कीटोलाइसिस की तरफ जाती है क्योंकि कीटोलाइसिस सेम चीज वो उतनी ही चीज से हमको ज्यादा एनर्जी मिल जा रही है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है साइट कहां पर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू वेरी इंपॉर्टेंट कीटोलाइसिस लिवर में नहीं होती है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज एक्स्ट्रा हेपेटिक लिवर के बाहर के जो टिश्यूज हैं उनमें होगा ठीक है लिवर तो बना रहा है ना ड्यू टू हाई एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स एसिटो एसिटेट थायोकाइनेज ठीक है जो कीटोलाइसिस का ब्रेकडाउन है उसके लिए एंजाइम क्या चाहिए एंड एक्स्टोटे बट नॉट इन द लिवर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम अब लिवर के अंदर क्यों नहीं हो सकती किटोलाइसी? क्योंकि ये दोनों एंजाइम हमारे लिवर में नहीं पाए जाते हैं किटोलिसिस डज नॉट ऑकर इन लिवर ध्यान रखना आप तक तो सारे स्टेप लिवर में हो रहे थे बट ये वाला स्टेप लिवर में नहीं होता है ठीक है ना ड्यूरिंग ग्लूकोज इन शॉर्ट सप्लाई जब ग्लूकोज की सप्लाई कम पड़ गई है स्टार्वेशन के दौरान और इंसुलिन डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई है द माइट्रोकवाड्रिया ऑफ कार्डियक हमारा दिल का स्कैल्टल मसल एंड किडनी कैन यूज फ्री फैटी एसिड एड ए सोर्स ऑफ एनर्जी ऑब्वियस सी बात है तब हमारे जो कार्डिक मसल्स हैं स्केल्टल मसल्स हैं किडनी है ये फैटी एसिड्स को एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल करती हैं कार्डियक जो है हार्ट मसल लगभग 70 परसेंट अपनी एनर्जी का इस्तेमाल फ्री फैटी एसिड से करता है हालांकि ड्यूरिंग प्रोलोंग प्रोलॉन्ग बहुत लंबे समय से भूखे रह रहे हो वैन सप्लाई ऑफ ग्लूकोज इज लिमिटेड देखो यहां पर कमी हो रही है लिमिटेड बहुत कम रह गई है द ब्रेन में यूटिलाइज कीटोन बॉडी एज द मेजर फ्यूल तब ब्रेन क्या करेगा कहेगा ग्लूकोज की कमी है चलो कोई बात नहीं हम ग्लूकोज टच नहीं करेंगे बॉडी का चलो भैया आ जाओ कीटोन बॉडीज तुम तो आ जाओ हमारे पास ठीक है कीटोजेनेसिस ऑकर प्राइमरी इन द लीवर कीटोजेसिसकर इन नॉन लीवर सेल्स स्पेशली इन द हार्ट ब्रेन एंड स्कैल्टल मसल पर अब कुछ इंजाइम काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए एस सी ओ टी सक्सिन को A, ठीक है कीटो एसिड को हम लोग एक और नाम से बोलतेल को

ठीक है ना उनके सभी सेल्स के अंदर ये इंजाइम पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ हेपेटोसाइट को छोड़ के यानी कि लिवर सेल को छोड़ के सब जगह पाया जाता है इसीलिए कीटोलाइसिस अंदर नहीं होती है क्लियर है एससी प्लेज सेंट्रल रोल इन एक्स्ट्रा हेपेटिक कीटोन बॉडी कैटाबोलिज्म ये मेन रोल प्ले करता है कैटाबोलॉज में ठीक है बाय कैटालाइजिंग द रिवर्सिबल ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ ए फ्रॉम कोएंजाइम ए टू एस्टो ठीक है यहाँ पर सिंपल सी बात ये कह रहा है जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए है वहाँ से एस्टो एस्टाइल कोएंजाइम ए में इसको ये ट्रांसफर करवाता है ये इसका मेन काम होता है ठीक है क्लियर है उसके बाद अपनी ये कहानी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटा ठीक है जो अपना एसिटोन है उससे क्या आएगा एस्टो ये एंजाइम फिर इससे ये आ जाएगा ये एंजाइम फिर फाइनली यहां से क्या मिले हमको वापस से टू एस्टाइल को दो मिल गए दो से बना था वापस से दो मिल जाते हैं की मौजूदगी में और इस प्रकार ये फिर एसिटाइल को एंजाइम है वहां पर जाकर के हमको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे क्लियर है बातें तो देख सकते हैं कीटोन बॉडी हमें एक तरह से दो से बनती है तो दो प्रोवाइड करवाती है क्लियर तो ये चार तो बेटा आपको याद करना पड़ेगा ठीक है स्ट्रक्चर भले याद ना करो और मेन मेन जो एंजाइम के नाम है वो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे ओके तो ये लेक्चर हमारा खत्म होता है काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर था मजेदार लेक्चर था अगर सही से आप लोग समझेंगे तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ये इस्तेमाल होता है मेटाबॉलिज्म कब कौन सा पार्ट इस्तेमाल होगा यहां से आप लोग कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं कि हम अपनी बॉडी के फैट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एक कंट्रोल वे में ठीक है ना ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दो ये गलत ये काम मत करना खाने में हम कार्बोहाइड्रेट को कम कर देंगे तो फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक तो बहुत तरीके से होती है चीजें अपने आप करने मत बैठ जाना थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद ही करना या डाइटिसन की हेल्प लेके बाद बाकी आप लोगों को पता ही है जो बच्चे नए हैं नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ डाउनलोड करो पढ़ो और ये मेरा नंबर है कोई दिक्कत आए बात करो मुझसे बाद बाकी अपना ऐप मस्त बढ़िया था बच्चे जुड़े हुए हैं इसमें से काफी ज्यादा और काफी हेल्प हो रही है यहाँ से बच्चों की और दूसरी बात पढ़ो कहीं से भी चाहे खुद से पढ़ो या लाइव से जुड़ करके ऐप के माध्यम से पढ़ो जहां पे खैर काफी सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी अवेलेबल है पढ़ो कहीं से भी बिना रिवीजन के काम नहीं होगा तो रिवीजन करते रहो और पढ़ते रहो ओके ऑल द बेस्ट